बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए, वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। अपने रब से दोस्ती कर लो, यही वो ज़ात है जो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ती। घर से बाहर जाते वक्त वजू ज़रूर करके जाना। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ कर जाना। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा। एक दूसरे के रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं। जो लोग शिद्दत गम में रब की रज़ा का मज़ा ढूंढ लेते हैं, वो ता हयात मज़े में रहते हैं। अगर मोहब्बत किसी हसीन चेहरे से करनी है, तो यकीन जानिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन इस कायनात में कोई नहीं। अल्लाह से मांगने की एक ख़ूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सकें, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, अल्लाह तो सब जानता है। खुदा जब दर्द देता है तो तस्कीन भी देता है। तू मांग उसी से तस्कीन, सब्र और उसकी मदद, फिर तू रहमान को रहीम ही पाएगा। बाप की अपने बच्चों के हक में की गई दुआ सीधी अल्लाह पाक तक जाती है। औरत को अगर वक्त, मोहब्बत, एतमाद और सबसे बढ़कर ख़ास चीज़ इज्जत दी जाए, तो वो जान दे सकती है मगर बेवफाई नहीं कर सकती। कुछ लोगों के नसीब में अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बतें बांटना लिखा हुआ है, हासिल करना नहीं। ये लोग हमेशा सिर्फ मोहब्बतें तो बांटते हैं, लेकिन इनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है। हम में अक्सरियत दूसरों पे आई मुसीबत को अल्लाह के तरफ से मिली सज़ा और ख़ुद पे आई मुसीबत को अल्लाह की तरफ से मिली आजमाइश समझते हैं। मदीने की मिट्टी को मिट्टी ना समझो, मदीने की मिट्टी खाके शिफा है। अल्लाह हाफिज़।